गाइस यहाँ हम जो है नालदेड़ा पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और नालदेड़ा में जो है यहाँ पे हम आए हुए हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ पर देख सकते हैं सामने है रेस्टोरेंट हिल व्यू रेस्टोरेंट। ये नालदेड़ा के रेस्टोरेंट है जो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो है टेम्परेचर की बात करो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 14 डिग्री सेल्सियस था, और अभी करंट का टेम्परेचर जो है वो हो चुका है 12 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप शिमला आए हैं तो शिमला से जो है ऊपर मशोबरा नालदेड़ा की तरफ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर आपका चेंज होता रहता है और यहाँ पर आपको अच्छी खासी ठंड मिल जाएगी। तो अभी जो है हम यहाँ से आए हैं, सामने से आप देख सकते हैं ये वाला रूट हमारा, और यहाँ पे आगे जो है आपको गोल्फ कोर्स के लिए है नालदेड़ा में, गोल्फ कोर्स है ऊपर की तरफ, वहाँ हम अभी जाएंगे और यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। हॉर्स राइडिंग का भी है यहाँ पे, अगर आप जो है पैदल नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी है। यहाँ से जो आप हॉर्स राइडिंग करके जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो भी इसके पॉइंट है आपको मैं इसके इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो बारिश हो चुकी है बंद और टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल डाउन 12 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे जो है नालदेड़ा का सीन है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ से जो है एक दो पॉइंट है, व्यू पॉइंट है यहाँ पे आपको, एक तो गोल्फ कोर्स है, बाकी आगे देखते हैं आगे कौन कौन से यहाँ पे देखने के लिए है। बाकी यहाँ पे जो मौसम बहुत ही मतलब चिल्ड मौसम हो रखा है बिल्कुल। तो गाइस यहाँ हम जो है ऊपर गोल्फ कोर्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ नालदेड़ा से जो है ये देख सकते हैं आप, नालदेड़ा का मेन पॉइंट है। यहाँ पे जो है आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, हॉर्स ले सकते हैं यहाँ पे, और आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं ना उसके लिए गोल्फ कोर्स के लिए। तो यहाँ से जो है चढ़ाई आप बता रहे हैं ये बंदे 5-6 किलोमीटर के आसपास, आप देखते हैं कि एक्चुअल में जो है ये कितना पड़ जाता है। हॉर्स का क्या चार्ज है? 100 रुपये टिकट लगता है, बाकी घोड़े का है। घोड़े का चार्ज क्या है? 500 रुपये। 500 रुपये आने जाना दोनों? तो अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो 500 रुपये का चार्ज है आपका, और यहाँ पे जो है एंट्री टिकट 10 रुपये की है। यहाँ पे सामने एंट्री टिकट 10 रुपये की है, बाकी घोड़े के जो चार्ज है वो है आपको 500 रुपये पर पर्सन। तो अभी हमने पता किया है इसकी जो डिस्टेंस है टोटल अप एंड डाउन वो है 5 किलोमीटर के अराउंड, और अगर आप घोड़े पे जाना चाहते हैं तो आपको कितना बताया? 500 रुपये? 500 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। ये तो 100 मीटर में सांस फूल गई। घोड़े के लिए ये रास्ता गया हुआ है, इधर देख सकते हैं आप, और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं पैदल के लिए। यहाँ से आंटी अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो कुफरी से जो है रास्ता ठीक है, यहाँ पे बारिश इतनी हुई है पर लेकिन कुछ कीचड़ या दलदल नहीं है, तो कुफरी से बेटर रास्ता है। क्योंकि कुफरी में क्या हुआ था, जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो उसमें जो है दलदल सा हो गया था। तो इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कौन कौन से पॉइंट है इसमें बताया गया। यहाँ पे एक आपको टेंपल, गोल्फ हट
और कॉटेज और गोल्फ क्लब्स और यही है बाकी 3-4 पॉइंट, बाकी ऊपर पता चल के चलेगा, देखते हैं कौन कौन से और भी पॉइंट है। तो गाइज हम यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं, मुश्किल से जो है 10 मिनट लगा है, लेकिन आपको बता दूं मैं, सच्चाई ये है कि अगर आप हॉर्स राइडिंग करके आते ना तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा घुमा के लाते हैं। ये इन्होंने जो है रूट अपना डाइवर्ट कर रखा है, इसकी वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इन्होंने 5-6 किलोमीटर का दिखा रखा है, लेकिन हमें मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं यहाँ पर पहुँचने में, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम गोल्फ कोर्स जो है यहाँ पर पॉइंट यहाँ पहुँच चुके हैं। वो सामने हिमालय दिख रहा है क्या वो? हाँ, जूम जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं हिमालय बर्फ, ये आपको जो है बर्फ दिख सकते हैं यहाँ पे, हिमालय की जो बर्फ है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। ज्यादा जूम हो गया, ये सामने हिमालय है और आप बर्फ देख सकते हैं। हाँ, गोल्फ कोर्स एंट्री, एंट्री यही है ना इसकी, तो एंट्री है। यहाँ हम एंटर कर चुके हैं गोल्फ कोर्स में, आप देख सकते हैं मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं, लेकिन उन्होंने जो है 5-6 किलोमीटर का बता रखा है टोटल रास्ता, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट लगे हमें यहाँ पहुँचने में। ये मेरे ख्याल से घुमा घुमा के ला रहे हैं ये, और आधा घंटा लगाते होंगे शायद ये। यहाँ पे लाउड नहीं, यहाँ पे लाउड नहीं, मंदिर है बस यहाँ पे। अच्छा अच्छा, कहाँ लाउड नहीं है? ये गोल्फ कोर्स अंदर अलाउड नहीं है, मंदिर में लाउड है। हाँ बस मंदिर में लाउड है, तो वहाँ से आप पीछे से देख सकते हैं मंदिर के पीछे से ना। अच्छा, देख जाएगा। मतलब यहाँ एंट्री अलाउड नहीं है, बस देख सकते हैं आप सिर्फ। तो वैसे आपको बताया था कि गोल्फ कोर्स में जो है अलाउड नहीं है मतलब जाना, आप यहाँ पे जो है शिरोमणि देवता जी का मंदिर है यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट यहाँ से गोल्फ कोर्स का है जहाँ पे लोकल जो पब्लिक है या टूरिस्ट है उन्हें अलाउड नहीं है जाना अंदर।
तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, शिरोमणि देवता जी का मंदिर है यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पे जो है सिर्फ आप गोल्फ कोर्स देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, और यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो फिलहाल हम यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ, और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो चलो पूजा कर लें यहाँ पे आए तो भगवान की। तो यहाँ पे आपको बार एंड रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी आपको मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही कॉटेज है, एक दो और है, लेकिन बार का यही सिर्फ कॉटेज है। नालदेड़ा गोल्फ क्लब, हाँ ये ठंडा है क्या? ना ना वीडियो चल रही है। तो हम नीचे उतर रहे हैं यहाँ गोल्फ कोर्स से, और अब यहाँ पे उतरने के बाद हम यहाँ से जाएंगे तत्ता पानी जाएंगे। यहाँ से 25-30 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ से नालदेड़ा से जो है 25-30 किलोमीटर है यहाँ से तत्ता पानी का। वहाँ देखते हैं कौन कौन से व्यू पॉइंट है, बाकी रिवर राफ्टिंग का वहाँ पे बताया है। हाँ रिवर राफ्टिंग है वहाँ पे, तो बाकी जो है वो जाके वहाँ पे तभी दिखाएंगे। तो ये लो जी पहुँच गए हम नीचे, मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं भाई। चढ़ने में 15 मिनट लगे हैं और उतरने में मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं, यहाँ पहुँच गए हम, शॉर्टकट रास्ते से है। वही अगर आप हॉर्स राइडिंग करके जा रहे हो तो आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ जाएगा, और अगर आप किसी से पूछते तो आपको वही 5-6 किलोमीटर के आसपास वो बताएगा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं तत्ता पानी, यहाँ पे दिखा रखा तत्ता पानी का 32 किलोमीटर के आसपास, चलो देखते हैं। हाँ ना भाई है 30-32 किलोमीटर के आसपास है तत्ता पानी का, एक घंटे। तो तत्ता पानी में देखते हैं और कौन कौन से व्यू पॉइंट है हमारे। तो ये था नालदेड़ा का व्यू पॉइंट, आप देख सकते हैं नालदेड़ा से गए थे हम ऊपर यहाँ पे गोल्फ कोर्स की तरफ। वहाँ कुछ खास नहीं था गोल्फ कोर्स में, ना तो एंट्री थी और सिर्फ एक बार आप मंदिर देख सकते हैं, और कुछ नहीं था। 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज और देना पड़ता उसके हॉर्स राइडिंग के। रखा बोलो बाला।